हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। दोस्तों बात करेंगे कल की 2898 एडी की। एक ऐसी फिल्म आती है इंडियन सिनेमा में जो एक्सपेरिमेंटल है, साईफाई है और साथ मैथोलॉजी के साथ जोड़ा हुआ है, पर यही सब चीजें लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं क्योंकि वो लोग ये बना नहीं पा रहे हैं तो इसको डीमीन कर रहे हैं, इसको नीचा गिरा रहे हैं, फिर भी ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। खासकर हिंदी बैंड से जो कलेक्शन कर रही है ना, वो भाई सब माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। ऐसे नंबर खुद हिंदी इंडस्ट्री की फिल्में नहीं कर पा रही है जो ये तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म आकर कर रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू भाई नाग अश्विन, जो उनका विजन था, पेपर पे था, माइंड पे था, और जो कैनवास पे उतारा और स्क्रीन पर दिखाया, वो ट्रीटमेंट, वो एग्जीक्यूशन लाजवाब है, यही लोगों को पसंद आ रहा है। अब जो कुछ समोसे हैं वो फिर से आज कढ़ाई से बाहर निकलाए हैं। अब आज वो क्या कह रहे हैं, अभी अभी उस बंदे ने ट्वीट किया है, देखो क्या कह रहा है, अब क्या कहना चाहता है, वो कितनी तगड़ी बेइज्जती कर रहा है फिल्म की। सुनो उसने क्या बोला। कल की 2898 15 दिन में 820 करोड़ ग्रॉस कर चुकी है। इंडिया ग्रॉस आया है 600, इंडिया नेट आया है 510, ओवरसीज से आया 220। फिल्म जो उसके हिसाब से लग रहा है 860 से 880 करोड़ में खत्म हो जाएगी, जबकि मेकर समार को 900 करोड़ का पोस्टर 3 दिन पहले दे चुके हैं, 3 से 4 दिन पहले। अब सुनो ये क्या कह रहा है। कल की विल फेल टू बीट वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ एनिमल 920 करोड़। फिर बोलता है इंडिया नेट बिज ऑफ जवान RRR KGF 2 इज आउट ऑफ रीच। इतना बोल रहा है भाई। बजट ऑफ कल की इज अराउंड 700 करोड़, 2.75 टाइम्स मोर देन जवान एंड पठान, 4 टाइम्स मोर देन भाई सब KGF एंड एनिमल, 4 टाइम्स मोर देन KGF चैप्टर 2 एंड 300 करोड़ मोर देन RRR। ये बंदा साफ साफ उन फिल्मों से कंपेयर कर रहा है। आप ये नहीं देख रहे ये फिल्म कितनी तकड़ी सक्सेस ले चुकी है, ये पार्ट वन अगर ऐसा कमाल कर रहा है, सोचो पार्ट टू क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और ये जो बोल रहा है, ये कहां से कलेक्शन लेकर आ रहा है, ये अपने आप को एक बहुत बड़ा मीडिया सोर्स मानता है। ये सोचता है भाई मैं ही हूं ट्रेड एनालिस्ट, कॉम स्कोर को नीचे गिरा रहे हैं, तो यार इसको क्या लगता है, हमें पता नहीं है इसको कौन बैक कर रहा है। इसको पूरा का पूरा जो एक लॉबी है ना, वो बैक कर रही है, क्योंकि इस वक्त हिंदी इंडस्ट्री जो है बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, तो किसी तरीके से दूसरी इंडस्ट्री की फिल्मों को भाई सब नीचे तो गिराना है इनको, तो इस बंदे को मोहरा बना रहे हैं, इसको सामने लाकर बोल रहे हैं। और इसको क्या लगता है, भर भर कर पैसा मिल रहा है, भर भर कर पैसा मिल रहा है, और इसका क्या ही जा रहा है प्रभास की फिल्म को नीचे गिराने में। पर क्या कहते हैं ना, वो हेट जो है ना वो सामने आ ही जाती है। आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ आएंगे हेटर्स, वो भाई साहब फालतू बोलेंगे, पर इतना बोल रहा हूं फालतू बोलोगे तो पेले जाओगे, बॉलीवुड के टट्टे मत बनो, इतना कहना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।